बहुत बड़ा है भाई ये। हाँ। देख ले, देखो भी बड़े होके ऐसा ही बनना है, इतना बड़ा। कैसी रही इसकी कैचिंग करते हैं? भाग भाग भाग, वो आ गया क्या? गाड़ी पलटा रहा, गाड़ी पलटा रहा है। जेल में से देखा नहीं जा रहा। दोस्ती करना होनी नहीं था, पार्टी खतरनाक है। कल संजय जी बोलती इविल सोल। इसकी सीन की रेंज से बाहर हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, ओके। आप में से बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई साहिल ने और नवीन ने इसको रोटी देके मिट्टू को क्यों नहीं पकड़ा, तो तू बता दे। मुझे तो पता है, क्योंकि कई बार हम जैसे पकड़ने जाते हैं तो कई एनिमल जैसे खाना देते हैं तो कई तो खा लेते हैं, पर कईयों को उतना नहीं खाते नहीं है और देख के भाग जाते हैं, तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तेरे को ऐसे पता था कि ये नहीं खाएगा? जो खिला रहे थे वहाँ पे वो भी दूर से खिलाते थे, बोला कि हाथ से तो कभी नहीं खाता, पर दूर से फेंक के तो खाता है, पर डरता है और मारता है। क्योंकि हमारे लिए तो आसानी है, क्योंकि बड़े सारे एनिमल हैं जो हम आसानी से पकड़ते हैं, जैसे डीजे एसिड है, आराम से पकड़ में आ गया, कोई पकड़ धकड़ नहीं करनी पड़ी, तो उसमें हमें भी रिस्क कम है, एनिमल के भी रिस्क कम है। वॉक पे तो मैं अपने साथ ये चार डॉग्स ही लेके आता हूँ, चंबी, स्पॉट, झिलमिल जो आगे खरगोश की तरह उछल के जा रही है, और सबसे आगे चटोरी, और ये जो है मो और करली, हमारे स्ट्रे पेट्स हैं जो साथ हो लेते हैं वॉक पे, रे तो है ही, और ये एक और है डिंग डिंग, पर ये थोड़ा पीछे ही चलता है क्योंकि चंबी और स्पॉट ना इसको इतना पसंद नहीं करते। चलो चलो, हीरो बन रहे हैं। ओ भाई साहब, ये आज मॉर्निंग वॉक पे क्या देखने को मिल रहा है, ये तो बड़ा ही सीन हो गया है। यहाँ पे ये भेड़ बकरी आई हैं, उनके साथ ये उनके रखवाले डॉग्स हैं, और हमारे डॉग्स का गैंग, ये तो पूरा गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला सीन हो रहा है। साइड से चलेंगे अपन, चलो चलो चलो। भेड़ बकरियाँ कहाँ से लेके आए आप, और ऊपर किधर चले? करेरी स्पीति चटोरी। मिल खड़ में कुत्तों से डर के भागी, मैं पिछले 50 मिनट से उसको ढूंढ रहा था, मिली नहीं। अभी किसी का फ़ोन आया, किसी के खेत में वो जाले में फंसे हो गया। जो भैया का फ़ोन आया वो पहले पहुंच गए हैं वहाँ पे। ठीक है, ये डर गई है इसको, एक्चुअली वो सोच रहा करंट का झटका लगा रहा कि भाई बैठ गई, गई नहीं, उससे फंसते नहीं है, एक झटका लगता है बस। ठीक है, ये डर गई थी, तभी वैसे पूरे फार्म में सारा दिन भौंकती है, और अभी इसको आवाज़ें मारते रहे, ये दुबक के बैठी हुई थी। हाँ फाइनली गुड एंडिंग, चल बदतमीज। जलमिल लौट के बुद्धू घर को आए। नरवाना से ख़रीदा था 18,000 का, फिर एक महीने का हुआ तो इसको फीवर आया। अच्छा, ले गए। अच्छा, वालों ने इसको 2 इंजेक्शन किए, बस घर लाने दो, और घर लाते रिएक्शन पूरी स्किन जो है, जैसे वो जले हुए का नहीं होता, पानी भर जाता, पानी भर गया और पूरी स्किन जो है अपने आप निकलने शुरू हो गई। वहाँ फिर 1.5 महीना पालमपुर में ट्रीटमेंट चला इसका। पालमपुर वालों ने कहा कि इसको अडल्ट डोज दिया था वाले क्लिनिक से, उसकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो सकता है। और तो ये लाइफ टाइम रहने वाली चीज़ है या लाइफ टाइम रहेगी? गुड बॉय ना लड्डू, सुंदर सुंदर बच्ची है। नहीं। सूजन कल से काफ़ी कम हो गई है। हाँ कल से कम, जख्म इसका भर जाएगा, फिर दोबारा कभी इन्फेक्शन होगा, फिर वो मक्खी बैठेगी, कीड़े पड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बस ठीक है, हो गई है। वैसे तो लड़कों ने नियो रखा नाम, लेकिन प्यार से हम घंटू घंटू ही बोलते, बड़ा प्यारा नाम है। क्या नाम इसका? चिड़ी चंडी, क्या नाम था? चिंडी। इसकी तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है ना, ये कैसे कर दिया आपने जल्दी? करना पड़ता है। कितने दिन में? एक हफ्ता भी नहीं है। 27th को आया था ये। सड़ा हुआ था ना इसका पैर तो बुरी तरह, मैकेट्स पड़े हुए थे, है ना? नाइस सर, लव यू सर, मज़ा आ गया। डॉक्टर सर, दो फ्लोर सेट रहेंगे सर? एक सब्सक्यूटेनियस है, एक स्किन के अंदर जा रहा है और एक आईवी जा रहा है। फिर फ्लूड पे क्यों है? क्योंकि इसको रीनल फेलियर है,
और एनीमिया भी है इसको, तो उसके लिए भी सपोर्ट देना पड़ेगा इसके साथ में, और किडनीज के लिए तो मेनली। एक डॉग है, दो डॉग है देखा जाए तो, एक अग्रेसिव डॉग है जो कांगड़ा में है, बट वो जो हमें कॉलर जो है वो फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, और एक और केस है हमारा, उसको रेस्क्यू करके लाना है ना वहाँ पे। बाउंड्री के अंदर ही है। हाँ, ये सुबह से यहाँ घूम रहा है। फ्रेंडली है? हाँ, फ्रेंडली है डॉग। हमने सुबह देखा इसको ना। अच्छा। और ये ऐसे बड़ी इसकी टांग में दर्द है, ठीक हो जाएगा। सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया इसके लिए। आपने भी नहीं खाया खाना? नहीं तो वो निकाल लूंगा उसको, दाल सुधार के मार दिया किसी ने। अच्छा, इतनी बैठे सवेरे तक? नहीं, बड़े बेचारे बड़े यहाँ से वहाँ घूम रहा है सुबह का। ठीक हो गया ना? अच्छा, देखो ये लगी है इसको ना, ये मारा है किसी ने। आजो आजो आजो। नहीं, बनो 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 हाय, इसको ना पानी पिला रहे हैं। हां, जाते इसकी सेवा हो जाएगी सारी। चाचा क्यों रोने लग गए थे? अरे इसको खाना खाना खिलाते हैं, बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली है, हर एक बंदे के साथ फ्रेंडली है ये, तो नेचुरली दुख तो लगता ही है किसी चीज़ का। अच्छा, अब आप दूसरे रेस्क्यू वाले को फ़ोन कर लो। कहाँ पर है? हुआ क्या अंकल जी इस कुत्ते को? नहीं हुआ तो कुछ नहीं ना, जैसे लड़का मेरा, एक तो पहले मेरे पास गार्ड काम करता था, उसको काट लिया इसने, अभी मेरे लड़के को काटा इसने दो दिन तीन दिन पहले। अच्छा। अभी अभी 4 तारीख को उसका तीसरा या चौथा इंजेक्शन लगा उसको। तो कोई छोड़ के चला गया इस कुत्ते को यहाँ पे? ये नहीं पता सर। की डॉगी है ये? 5 मिनट यही रुको, ये गेट मत खोलना। ठीक है। जब चाचा ने बोला ना 5 मिनट रुको, वो गाड़ी में गए रेस्क्यू का अपना नेट और वो केज वगैरह लेने, डॉग को रेस्क्यू करने के लिए। फिर मैंने इतने आसपास पता करा, पूछने लगा मैं लोगों से, पड़ोसियों से, कि मैं कुत्ता का बिहेवियर कैसा है, काटता है तो नहीं काटता है। तो उन्होंने बोला कि बस इसके बेटे को और इसके गार्ड को काटा था इसने, और किसी को नहीं काटा। गली में, गली चलती हुई गली थी, बहुत लोग वहाँ से गुजर रहे थे, आ रहे थे, किसी और को नहीं काटा था। अग्रेसिव तो इतना है नहीं है, मतलब हमें पीछे से ऑर्डर आ गए कि मतलब नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना है ना। दो तीन बार यानी कि काट चुका है बंदे को, हमारे मेरे बंदे को काटा, खुद गार्ड को भी, वो बेचारा डर के मारे उसने नौकरी छोड़ दी। तो स्ट्रीट डॉग है वो, यानी कि मालिक नहीं है उसका कोई भी, आप सोच रहे होंगे ना मालिक है, मालिक कोई भी नहीं है उसका। अब हमें कंप्लेन आई थी कि ये डॉग एग्रेसिव है, जब हम वहाँ पे गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और जिन लोगों ने कंप्लेन करी थी वो समझ भी गए। पर अगर डॉग असल में कटखना होता या लोग समझने को तैयार ना होते, तो ऐसे हालात में मुझे नहीं पता कि हम क्या समाधान निकालते। ये घाव एक हॉर्न एवल्शन, मतलब उसका हॉर्न कम्प्लीटली आउट स्किन के साथ है ना, तो ये एरिया बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत ब्लड सर्कुलेशन, बहुत नर्व्स, बहुत दर्द होगा। हम कुछ दवाई दे सकते हैं, ब्लड स्लो करते हैं। हर ट्रीटमेंट वी हैव टू 1, 2, 3, 4, 5 रस्सी। ही इज ब्रोकन आवर सिंक, ही इज ब्रोकन आवर वाटर बकेट, देखो। अच्छा, ये इसने तोड़ा है? या एक पैर के साथ। Yep, the water bucket उधर, boom, that's what he did. So that is the strength of this boy. Very powerful. ये वाला कर रहा है बैल परेशान बहुत, जैसे इसने का रेस्क्यू अटेम्प्ट करा था। शांत है। मुंडा क्यों रहा है? रस्सी थोड़ी ना तोड़ देगा। ये जो हमारी रॉड है, तो कायदे से मिट्टू का सर इन दोनों रॉड्स के बीच में फंसा होना चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट करते हुए अपना दूसरा सींग ना तोड़ ले। तो ये तुम क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि पहले ये गर्दन झुका नहीं रहा था ना नीचे, जब नया नया आया था तो वो इससे आगे नहीं आ रहा था, तो क्योंकि रस्सियाँ भी तोड़ रहा था, इसलिए हमने इसको ट्राई नहीं किया। पर अब हम आगे कर लेते हैं इसको, अब फ्रेंडली अगर थोड़ा तो अब आ जाता है। राधे दीदी, किसका कर रहे हो ट्रीटमेंट? विक्की का, क्योंकि उसको तो मेरे को बदनाम करने की पड़ जाती है ना। क्या बकवास की है तुमने? कुछ नहीं, पहले अब देखो ना, अब ऐसी जज कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है ना। नहीं भाई, मेरे को सुधांशु बोल रहा है कि इसने तुम्हारा नाम लिया है, इसको बाइट ट्रैप फंसा हुआ था। अच्छा, तो कितने टाइम से है हमारे पास? मैक्सिमम 2 महीने तो हो गए। कितने टाइम तक हो जाएगा रिकवरी आपके हिसाब से? 2 हफ्ते तो भी लगेंगे। जैन को रिलीज कर रहे हैं? कैसा रिश्ता रहा आपका जैन के साथ? बहुत अच्छा। क्या बात है जैन, चल आ जा। बाय। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक कट था, वो अब लगभग हील हो गया है। हमने जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भी लगाना है और रिलीज करना है।
वापसी, अब आप लोग जाना। जाइन चल घर वापसी तेरी। अब सहेल जैन को आशीर्वाद दे रहा है। क्या हुआ साहिल, ये भी कूद रहा था? कूद गया था। क्या हो रहा है बैलों को आजकल, कूद क्यों रहे सारे? लंबी है ना, दिखता सब कुछ इनके बाद। एक्चुअली मैं तो मार्केट में गया था कुछ काम से, तो अचानक से मेरे को ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आई, तो ये दो चिकन्स जो हैं ये लोग मतलब मारे जा रहे थे, मतलब ना जो चिकन शॉप में होते हैं, मतलब मैंने सोचा कि इनका अब लाइफ बचाना चाहिए, ये लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे मतलब ना। यहाँ पे हमारे पास जो मुर्गे हैं क्योंकि दो अलग अलग जगह में रखना पड़ता है, लड़ाइयाँ करते हैं बड़ी ज़्यादा, है ना, और इस तरफ में जो पाँच मुर्गे रहते हैं जो कि थोड़े शांत हैं, हम पहले तो उनके साथ ही कोशिश करेंगे, कोई बात, लेकिन यहाँ पे बिल्लियाँ भी थोड़ी सी है ना, इसका थोड़ा यहाँ पे आँख में लगा हुआ शायद। हमारे बुद्धिज्म में एक वो होता है ना, लाइफ रिलीजिंग बोलते हैं उसको, सेतर बोलते हैं उसको, मतलब ना कि जैसे जो मरने वाला हो उसको बचाने से मतलब काफ़ी मतलब बहुत अच्छा मानते हैं उसमें ना। चलो थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा एक सवाल था आपसे, तो ऐसे तो फिर हर कोई चिकन शॉप से चिकन ला के खरीद कर हमें देता रहेगा? हाँ हमें पता है, लेकिन ठीक है जब तक हमारे कैपेसिटी है ना, जब तक ठीक है हम कर, जब मुझे लग रहा है कि नई टीम मिल के कर लेगी तब तक मैं ले रही हूँ, ना एक टाइम आएगा जब हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम और रेजिडेंट मुर्गियां मुर्गे नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप चिकन शॉप से चिकन खरीद के उसकी जान बचा रहे हैं तो प्लीज़ उसे खुद पूरा अंत तक पालिए। हाँ एक और तरीका है कि भाई जब आप होटल ढाबे पे जाते हैं तो बटर चिकन मत ऑर्डर करिए। नहीं मोना फ्रेंडली है, थोड़ी थोड़ी ये चुनती है लोग, जो लोगों को चुनती है हाँ, कि किसके साथ फ्रेंडली होना है किसके साथ नहीं। सही, तो आज हम इसको रिलीज कर रहे हैं। किसने क्या किया, खुद आप उसको मजल लगा रहे हो? चुप रह, तू ये ऐसी हरकतें करने वाला, तेरी शक्ल से कुत्ते डर जाते हैं मेरे। इतनी तो गंदी शक्ल भी नहीं है मेरी। स्टार्टिंग में तो भाई तब थोड़े तो दुखी कर रही थी ना, तब डर रही थी बहुत ज्यादा। वो तब कौन करता था उसका ट्रीटमेंट, जरा उसमें देखना तुम अपने पीछे की उसमें, ठीक है? अच्छा आप क्रेडिट लेना चाहते हो कि आपने जब ट्रीटमेंट करा था अच्छे से हुआ? जी नहीं वैसा नहीं है, ये तो टच की बात है ना। ये तीसरी चौथी बार आई है ना हमारे पास? तीसरी बार क्यों भाई, पहली बार पैरालाइज के लिए, दूसरी बार पपीज के लिए, तीसरी बार पिक ट्रैप के लिए। ये जो बड़ा सा पत्थर है इसके नीचे से हमने इसके बच्चों को रेस्क्यू करा था एंड हमने यहीं इसको रिलीज कर दिया। मोना ये भाग्य जा रहे हैं। मैं बड़ा प्यारा था, इसका नाम झामर है, झामर जिसको रेत से लेकर आए थे ना इन्फॉर्मर, उन्होंने बताया था कि वहाँ पर इसे बहुत लोगों ने देखना पीछे, है ना, बहुत लोग इसको मार रहे थे। ओ उसे मार रहे हैं, मतलब एक घर से जाता है दूसरे घर, तो ऐसे देख रहा है हमारे पास ना आए। मुंह में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, अंदर में इंजरी भी थी ना, है ना, अभी एंटीबायोटिक कोर्स और पेन किलर्स के साथ अच्छी खासी हीलिंग हो गई है, और कल लकीली इसके लिए डॉक्टर्स आए, आज ही इसको हम छोड़ने जा रहे हैं उनके घर। नेहा लेके जाएगी? हाँ नेहा का पहला, हमारी अडॉप्शन इंचार्ज है, वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर है और एनिमल वेलफेयर पर्सन है मेनली, है ना, इतने सारे काम अकेले। आपका न्यू मेंबर कुछ नाम सोचा है कुछ आपने? ना तो टाइगर हो रहा था। न्यू घर में आके कैसा लग रहा है? हाँ क्या हुआ, चलो चलो चलो। अभी एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मेरे को। क्या हुआ डॉक्टर साहब इसको? ये पहले यहाँ पे जख्म हुआ हो उसके बाद ये स्कैबिंग हो गया, मतलब पपड़ी जम गई थी इसके ऊपर। अच्छा। और अब उस पपड़ी के नीचे इन्फेक्शन हो गया और उसमें पस वगैरह फैली पड़ी है। अच्छा गर्दन पे हुआ है? जैसे लव बाइट दे दी हो किसी ने, कह सकते हैं ना। क्या लगता है डॉक्टर साहब जी कब तक ठीक हो सकता है? अभी देखता हूँ पपड़ी हटा के ना इसकी, के बाद पता चलेगा कितनी डेप्थ है अंदर जख्म की, क्योंकि ऐसे तो छूने से बाहर से फील करने में तो काफ़ी एरिया इन्वॉल्व है मसल का भी अंदर का, तो एक बार देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा जी। सर ये चाचू आया किस लिए था हमारे पास? चाचू हमारे पास रेक्टल प्रोलैप्स के लिए आया था मेनली, प्लस साथ में उसका लेग का इश्यू भी था जो कि प्रीवियसली फ्रैक्चर हुआ हो सकता है इसको हिट एंड रन से, तो उस वजह से थोड़ा सा
वो टांग इसकी डिफेक्टेड थी, फिर वो ठीक हो गया तो फिर हमने इसको फिर अपना एक रेजिडेंट ही बना लिया। हमारे पास इस समय 30 के करीब रेजिडेंट एनिमल्स हैं, थे तो इससे ज़्यादा, कईयों की ओल्ड एज से डेथ हुई, कईयों की एक्सीडेंट से, जिसमें से एक हमारा लेटेस्ट रेजिडेंट एनिमल आलमगीर है। आलमगीर जब आया हमने उसको सैंक्चुरी में शिफ्ट किया ताकि उसके पास खुली जगह हो, लेकिन वहाँ पे चाचू ने उसको सेटल नहीं होने दिया, हमें उसको क्लिनिक लाना पड़ा। वैसे भी उसको एडीमा था, जो क्लिनिक ला के ठीक हो गया। अब यहाँ पे बरसातें चल रही थी, बरसात में उसको ठंड लग रही थी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह थी कि हम उसको काउशेड में बांधें और हम अपने घोड़े खच्चरों को काउशेड में एक अलग जगह बांधते हैं, क्योंकि इनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये गाय का खाना ना खाएं, इसलिए ये अलग बंदे होते हैं। लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा खा लिया कि उसको कॉलिक हो गया और अगले दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरा फेलियर है कि भाई एक एनिमल जिसको 14 साल से कोई पाल रहा था, उसको एक इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और यहाँ पे उसकी सफरिंग हम कम करने के लिए उसको लाए, लेकिन वो यहाँ पे आके हम उसको बचा नहीं पाए। और साथ ही साथ हमने उन लोगों को भी फेल किया जिन्होंने हमारे पे इतना ट्रस्ट किया कि उनको था कि भाई पीपल फार्म में ही इसकी केयर हो सकती है। मुझे नहीं पता कि हम क्या डिफरेंटली कर सकते थे, मतलब सिवाय इसके कि जब तक हमारे पास प्रॉपर हर एनिमल को अलग अलग रखने का इंतज़ाम ना हो, हम कोई भी और रेजिडेंट एनिमल ना लें। हुआ क्या इस बैल को? पता नहीं किसी ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब कब? 10-15 दिन हो गए। पकड़ लिया? पीछे पूरा कीड़े पड़ गए हैं। नहीं रहा, नहीं उठेगा, उठेगा नहीं, रो रहा है ना। हाँ। गलियां पर अक्सर ऐसी करते हैं लोग, तेजाब डाल देते हैं। पहली बार हुआ ऐसा? पहली बार ही। ये क्या छिड़क रहे हो दीदी आप? इससे क्या होता है? जो मैगेट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, मर जाते हैं। गरम गरम तेल, हाँ। तेजाब कुछ तो फेंका है। हाँ, तेजाब फेंका है, एसिड है। पर इसको क्यों फेंका है एसिड? अब आप मुझे बताओ, मार के काट के जला के कैसे भी लोग बैलों को सड़क पे छोड़ेंगे नहीं, पर दूधिए बैलों को सड़क पे ही छोड़ेंगे तो कैसे दूध पीने वाले इस हिंसा के भागीदार नहीं हैं? क्या हुआ इस कुत्ते को? इसको लगी हुई है ये सारा, इसका जबड़ा ये टूटा हुआ है, फाइट हुई है। अच्छा, तो हम इसका ट्रीटमेंट सेट कर रहे हैं, तुम तो इसको वहाँ पर क्यों नहीं लेके जाते अपने क्लिनिक में? वहाँ क्यों नहीं लाते? फ्रेंडली ये डॉग, ये यहीं पे रहता है, इसी एरिया में, इसी का इतना सा एरिया। अच्छा अच्छा, तो इस तरह के ट्रीटमेंट सीट हम करते रहते हैं। हाँ। कहाँ कहाँ पर करते हैं हम? अभी ये किया, एक हमारे वहीं पे लोकल है। बस ये हो गया है? हो गया। भई दवाई लगानी थी। विक्की, हाँ? आज तो मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है। हाँ? तो एनिमल सारे बाहर है कि आज सारे अंदर रख दिए? मैं भी अंदर रख दिए होंगे, जाके देखते हैं। तो बाहर कैसे छोड़ दिया? डॉक्टर साहब पूरे उन लग रहे हैं, वो GTA 5 वाले कैरेक्टर। कितनी भी बारिश हो जाए पर ये बेचारा नहीं खड़ा रहता है बारिश में। क्यों? मतलब ये एक्चुअली में बारिश लवर है, दिव्यांशु की तरह नहीं, नकली। जरा बताएगा कैसे? बारिश होती है, कंबल में घुस जाता है और फिर कहता है मैं आई एम अ रेन लवर। अरे वाह, बारिश बहुत पसंद है। चार्ली सेंचुरी नहीं क्या विक्की है? नहीं, ये अभी ये यहीं रहेगा शायद ना, कमजोर हो गया बहुत ही ना। बेटो भाई छेड़ियो मत। ओ वाह, जहाँ पे इतने आंसू हैं वहाँ पे थोड़ी हंसी तो चाहिए, इसीलिए इन शरारती तत्वों को फार्म पे खुला छोड़ दिया गया था कि भाई अकेले मत हंसो, सबको हंसाओ। और अगर आप इनके बाकी के 4 मिनट का कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम अगले ब्लॉग के एंड में डालेंगे। अब देखिए, गम तो जीवन का सत्य है ही, जिसे हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी खुशी तो चाहिए।